हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन कोरमा। देखिए, हमने ये मटन लिया है 500 ग्राम। इसे हमने साफ कर लिया। अब इसे हम मटन कोरमा बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने कुकर में तेल डाल के रखा हुआ है, गरम हो रहा है हमारा तेल। देखिए, हमारा तेल हो गया। इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज को हम सुनहरा होने तक तलेंगे। देखिए, मेरा प्याज सुनहरा होने पे आ रहा है। देखिए, कुछ खड़े मसाले तैयार किए हैं। एक चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी टुकड़ा, 2 तेज पत्ता। अब इनको हम डाल इसमें हम गुड़ डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं 1 चम्मच। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डाल दे रहे हैं। अब इसे दही डालकर 5 मिनट तक पकाएंगे दही में। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच डाल देंगे। गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार अब हल्दी डालेंगे। अब इन सबको हम चलाएंगे। देखिए, इतनी भाप है कि गोश्त सही से दिख नहीं रहा है। अब इसे मसाले को भूंज लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें हम 4 कप पानी डाल देंगे, जिससे हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालिए। अब इसमें हम ढक्कन लगा के रख दे रहे कुकर में। 5-6 सीटी लगाएंगे, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। गाइस, देखिए मेरा कोरमा बनकर तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल दे रहे। देखिए, मेरा कोरमा गाइस, देखिए मेरा मटन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया और साथ में तंदूरी रोटी भी है। देखिए, मेरा गोश्त कितना अच्छा गल गया है। आप लोगों को मेरा मटन कोरमा अच्छा लगा तो लाइक करिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।